खूबसूरत चुड़ैल। ये बात 2015 की है जब रवि और साहिल तकरीबन 15 या 16 साल के थे और जहां वह रहते थे वहां से आधा किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन था। साथ ही में एक अजीब सा खंडहर या जंगलों से भरा हुआ एक सुनसान वातावरण था। रवि और साहिल अक्सर उल्टे कामों में ज्यादा रहते थे। या तो आप इसे बचपन की शैतानियां कह लो या वह गलतियां जो बचपन में अक्सर छोटे बच्चे कर देते हैं, और इन दोनों ने जो किया वह बेहद डरावना और खौफनाक है। एक बार की बात है, साहिल को खंडहर के पास जंगल में एक काले जादू की किताब मिली जो कुछ हिंदी और ज्यादातर संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी। वह उस किताब को रवि के पास लेकर आता है और उसे उसमें लिखे कार्य करने के लिए बोलता है। उस किताब में कई तरीके लिखे थे आत्माओं को बुलाने के, पर वे दोनों नहीं जानते थे कि वे जो करने जा रहे थे उसका अंजाम बेहद डरावना होने वाला था। दोनों ने मिलकर तय कर लिया कि हम एक बार ऐसा करके देखते हैं कि क्या होता है। दोनों ने मिलकर एक नाई की दुकान से बालों को यह कहकर मांगा कि जब आप फेंकते ही हो तो हमें दे दिया करो, इसे हम फेंक देंगे। नाई ने भी हाँ कह दिया। रवि और साहिल ने बालों से भरी पॉलिथीन को उठाया और सीधा उस जगह पर गए जहाँ कोई मुश्किल से ही रात में आ पाता है, यानी दोनों खंडहर के पीछे जहाँ बड़ा सा कूड़ेदान था वहाँ जा पहुँचे। विधि के अनुसार बालों को तकरीबन 3 महीने तक जलाना था और जलाते समय किताब में लिखे कुछ शब्दों को बार बार पढ़ना था। दोनों ने इस वाक्य को कई बार अंजाम दिया और इस विधि को करते हुए तकरीबन 1 महीना बीत चुका था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि उसमें लिखा था। और कुछ हाथ न लगने की वजह से दोनों ने वहाँ न जाने का निर्णय लिया, लेकिन रवि अब भी लगातार वहाँ जा रहा था और ये बात साहिल को पता नहीं थी। रवि अकेले ही वहाँ जाकर वह काम कर रहा था और यह सिलसिला 3 महीने तक चला, पर कुछ न होने के कारण रवि समझ चुका था कि ये सब बेकार है, बकवास है, और उसने भी फिर कभी वहाँ वापस न जाने का फैसला किया। उसी रात रवि अपने घर की ओर जाने के लिए निकला तो उसे लगा उसका कोई पीछा कर रहा है। वह पीछे पलटा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह चलने लगा और चलते चलते अपने घर पहुंचकर सो गया। उसी रात को उसने सपने में एक लड़की को देखा जो बेहद खूबसूरत थी और उसे पुकार रही थी। शायद ही रवि ने इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी हो। और तभी रवि को दरवाजे को खटखटाने की आवाज आई और उसकी आंख खुल गई। रवि ने जाकर दरवाजा खोला तो हैरान रह गया, क्योंकि यह वही लड़की थी जिसको उसने अपने सपने में देखा था। पर रवि डरा नहीं, उसने रवि को एक झुमका देते हुए कहा, रख लो, तुम्हारे लिए है। रवि की उम्र और समझ दोनों ही कम थी, इसलिए वह झुमका लेकर रख लेता है और जाकर सो जाता है। उस दिन के बाद से रवि के साथ कुछ अजीब हादसे होने लगे। कई बार तो रवि की आंख खुलती तो खुद को वह कमरे में अलग अलग स्थानों पर पाता, कभी कमरे में रखे कूलर के ऊपर, तो कभी पलंग के नीचे, तो कभी अलमारी के ऊपर बैठा हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर एक रात वह लड़की उसके लिए एक सोने का कड़ा लेकर आई। रवि को मालूम नहीं था कि वह लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। इस बार भी उसने उस कड़े को देते हुए रवि से कहा, रख लो, तुम्हारे लिए है। और वह रख लेता है। एक दिन सफाई करते समय माँ ने वह दोनों चीजें देखी और रवि से पूछा, ये कहाँ से लेकर आया है? एक लड़की देती है यह कहकर कि रख लो, तुम्हारे लिए है। यह सुनकर रवि की माँ घबरा गई। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई लड़की सोने के जेवर कैसे दे सकती है, जरूर कुछ गलत हो रहा है। तभी माँ ने गांव फोन करके मामा को पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा, मैं पंडित से पूछ कर बताऊंगा। इसके बाद रवि के मामा ने फोन किया तो कहा कि वह लड़की अब कुछ भी दे उसे नहीं लेना है, क्योंकि वह लड़की एक चुड़ैल है और वह उसे ऐसा करके अपने वश में लेना चाहती है और फिर उसे अपने साथ अपनी ही दुनिया में ले जाएगी। और जितना जल्दी हो सके तुम लोग गांव आ जाओ। यह बात जब रवि को पता चली तो उसके पैर कांप रहे थे, यह जानकर कि वह लड़की एक चुड़ैल है और अब उससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। फिर उसी रात उस चुड़ैल ने दरवाजा खटखटाया पर रवि ने नहीं खोला।
रवि बहुत डरा हुआ था कि कहीं वह चुड़ैल अंदर आ गई तो वह मुझे अपने साथ ले जाएगी। और फिर दो तीन दिन बाद जब भी ठीक नहीं हुआ तो वह और उसकी माँ गांव की तरफ निकल पड़े। गांव पहुंचने के बाद पंडित ने उसे देखा, कुछ मंत्र पढ़े और बिना कुछ पूछे पंडित ने उन्हें पूरी बात बताई कि रवि ने क्या क्या किया था जो आज रवि के साथ ऐसा हुआ। रवि की माँ और उसके मामा दोनों ये बात सुनकर घबरा गए तो उसकी माँ ने कहा, अब क्या करें, मेरे बेटे को बचा लो। वह अब यहाँ भी आएगी पर तू उससे कुछ नहीं लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद ठीक उसी रात रवि अचानक उठकर बाहर गया तो उसने देखा घर से थोड़ी दूर उसकी माँ खड़ी है जो उसे बुला रही है। रवि जैसे ही वहाँ पहुँचा तो माँ ने उसे एक नेकलेस देते हुए कहा, बेटा इसे संभाल कर रखना। रवि ने मना किया, मुझे नहीं चाहिए। और यह कहकर जैसे ही रवि पीछे की ओर पलटा ही था तो उसने देखा कि माँ तो घर के बाहर ही खड़ी है, तो जो मेरे पीछे खड़ी है वो कौन है? रवि को मानो पहले पहले जमीन ही खिसक गई हो। पर फिर भी रवि पीछे नहीं पलटा जबकि वह आवाज लगातार उसके कानों में आती रही, बेटा ले ले, इसे रख ले, आखिरी बार है, इसके बाद कभी कुछ नहीं दूंगी। पर रवि की किस्मत अच्छी थी कि उसने अपनी माँ को देख लिया था और वह उसे मना करके बिना पीछे पलटे सीधा घर के अंदर आ गया। और तभी पंडित ने उसे बेड पर लेटने को बोला और कहा कि कम से कम 3 घंटे तक यहाँ से उठना नहीं। पंडित ने तभी दूसरे कमरे में जाकर पूजा शुरू कर दी। रवि के लेटने के बाद भी वह चुड़ैल उसे पुकारे जा रही थी, रवि यहाँ आओ, मेरे पास यह जेवर ले लो, आखिरी बार दे रही हूँ। पर रवि बेड से हिला भी नहीं और पंडित ने अपनी पूजा खत्म करके उसे एक ताबीज दे दिया। रवि ने उस ताबीज को अपने गले में पहन लिया और उस दिन के बाद से उसके साथ सब कुछ अच्छा होने लगा। लेकिन आज भी जब रवि को अपने घर के आसपास से उस खूबसूरत चुड़ैल की आवाज